हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी लेकर के आया हूँ, इसका यूज, मोड ऑफ एक्शन, डोज एंड साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जेंटामाइसिन कंटेंट है हमारा, ये एमिनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है। स्पेशली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, एबडोमिनल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और मेनिनजाइटिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। इसका डोज कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज होता है वो 3 से 5 mg पर kg के हिसाब से इसका डोज होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पेशेंट का वेट 50 kg है, मान लेते हैं, तो इसका जो मिनिमम डोज होगा, ठीक है, 3 mg से हम कैलकुलेट करते हैं। 3 mg से 5 mg हमने बताया, तो 3 mg तो 5 × 15, तो 150 mg जो है उसका डोज हो जाएगा एक दिन का, 24 घंटे में 150 mg। तो उसको हम 3 डिवाइडेड डोज में देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 50 mg जो है हम उसको 3 डिवाइडेड डोज में देते हैं, 8 8 घंटे के अंतराल पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस अपने प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। इस प्रिपरेशन में जो हमारे प्रिपरेशन में देखिए, 40 mg ईच ईच 1 ml कंटेन 40 mg, ये 2 ml का है, तो इसमें 1 ml में 40 mg है, ठीक। अगर हम 2 ml इंजेक्ट करेंगे तो 80 mg पेशेंट को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके रूट की बात कर लेते हैं, कौन कौन रूट, किस किस रूट में हम इसको देते हैं। तो IM रूट इस पे लिखा हुआ है और IV रूट। IV रूट से अगर हम दे रहे हैं तो इसको जो है डाइल्यूट करना कंपलसरी होता है। IV इन्फ्यूजन में डाइल्यूट करके हम इसको दे सकते हैं। और अगर मस्कुलर दे रहे हैं तो ग्लूटल में इसका इस्तेमाल करें, अच्छा रहेगा। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। जेंटामाइसिन अगर आप ले रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो हम कॉमन साइड इफेक्ट जो इसका होता है, नॉजिया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर रहे हैं जेंटामाइसिन का, तो ल्यूकोपेनिया हो सकता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। ल्यूकोपेनिया मीन्स WBC की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, और जो है किडनी डिजीज भी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं। और लीवर को भी ये इफेक्ट करता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, जो हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में, तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट होता है उसको जो है ये कैसे प्रभावित करता है। तो ये जाता है बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम, जो 30S यूनिट होती है राइबोसोम की बैक्टीरिया के अंदर, उससे ये बाइंड कर लेता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। mRNA से कॉम्बिनेशन जो है राइबोसोम का नहीं बन पाता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिससे उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती है और हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।